हेलो गाइस, होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, ये जो आपने CM3588 बोर्ड देखा होगा कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे आया था। तो आज की वीडियो में इसमें डालेंगे हम एंड्रॉइड 12 डालेंगे, टीवी वर्जन डालेंगे, नॉर्मल एंड्रॉइड 12 डालेंगे एंड एक डालेंगे डेबियन बुलसाइट डेस्कटॉप एडिशन वाला। सो ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आज इसमें टेस्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा क्या परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है अगर आप यूज करना चाहते हो। एंड अगर चाहते हो कि टीवी वाला भी डालू तो आप कमेंट करके बता देना कि टीवी वाला क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहता है एंड्रॉइड टीवी में। सो आज तो एंड्रॉइड 12 डालेंगे एंड डेबियन डाल के देखेंगे, इसमें आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, क्या परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगी, कैसे कैसे चलेगा एंड क्या क्या हिसाब किताब इसका रहने वाला है, अगर आप ले रहे हो तो कितना परफॉर्मेंस ये आपको देगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो वीडियो शुरू करने से पहले कोर कीचेन के बारे में जान लो, ये है कोर कीचेन, ये सिर्फ और सिर्फ 350 का आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। यहाँ कहीं इंस्टाग्राम का, मेरे चैनल का इंस्टाग्राम का लिंक होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके मेरे को DM कर दो इंस्टाग्राम पे और इसको खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में, फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगा। इसके पीछे एक वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट मैग्नेट लगा हुआ है जो कि किसी भी आयरन स्टील के सरफेस पे चिपक जाता है। सो कंसिडर करना एंड इंस्टा पे DM कर सकते हो। तुम्हें एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूँ मैं, यहाँ पे अभी आपने रेडेक्सा 03E देखा होगा, मेरे शॉर्ट्स पे मैंने दिखाया था ये, तो अभी ये थोड़ा सा टेस्टिंग वगैरह चल रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो ये टेस्टिंग चल रहा है तो इसकी भी जल्दी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग ही चल रही है, यहाँ पे अभी मैंने इसको SSH से कनेक्ट कर रखा है। सो जाके इंस्टा पे मतलब मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है इस बोर्ड पे भी, बहुत पावरफुल बोर्ड है, अराउंड 1400 रुपीज से शुरू हो जाता है ये एंड इतना पावरफुल बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इवन रेसबेरी पाई का 0 जो आता है 0 to W से भी बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है ये बोर्ड, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो फिर वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो मैंने अभी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है एंड्रॉइड 12 इस बोर्ड पे CM3588 एंड अभी जो मैं डिस्प्ले ले रहा हूँ इसकी, ये एक कैप्चर कार्ड है, कैप्चर कार्ड के थ्रू डिस्प्ले ले रहा हूँ एंड फिर चलो फिर सीधा स्क्रीन पे ही चलता हूँ और आपको टेस्ट करके थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, अंततः वगैरह अगर होता है इसमें तो वो करके दिखाते हैं और वीडियो प्लेबैक वगैरह कैसा होता है, एक दो गेम्स भी खेल के देखते हैं कैसे गेम्स वगैरह चलती है इसमें। हाँ जी, तो हमारा ये आ चुका है, मेन स्क्रीन आ गई है, ये ओवरऑल यहाँ पे होप्सो मेरी आवाज आपको साफ आ रही हो, तो ओवरऑल ये आपको पूरा इंटरफेस मिलता है इसमें। तो शुरू करते हैं इसके ऐप ड्रॉर से, ऐप ड्रॉर में जो आपको ऊपर की चार पांच ऐप देखते हैं वो मैंने इंस्टॉल की है, बाकी CPU-Z भी इंस्टॉल किया है, बाकी आपको क्रोम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मिल जाता है, ये अच्छी बात है क्योंकि जब मैंने एक सेम प्रोसेसर के साथ एक था फायरफ्लाई का एक SBC था, उसमें आपको जो एंड्रॉइड मिलता है उसमें आपको काफी दिक्कतें आती है, बट यहाँ पे क्या है आपको क्रोम चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वीडियो मैंने चला रखी है, यहाँ पे देखो वीडियो आपको पता ही है कि RK3588 कितना स्मूथ जो है ये है, मतलब प्रोसेसर है, वीडियो प्लेबैक बहुत स्मूथ रहने वाला है, चाहे आप नॉर्मल ब्राउजिंग करो, ब्राउजिंग देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ होगा, कोई भी ऐप खोलो, टैब खोलो, कुछ भी खोलो आपको स्मूथली चलेगा, देखो बिल्कुल फास्ट रिस्पॉन्स है, कोई इशू नहीं है इसमें, बाकी वीडियो सही से चल रही है। यहाँ पे मैंने 12 की वीडियो भी चला रखी है, देखिए मैं वीडियो चलाता हूँ तो वीडियोज आर क्वाइट स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मतलब एज अ डेस्कटॉप आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो, चाहे आप इसमें Ubuntu डाल लो, Debian डाल लो, Android डाल लो, कुछ भी डाल के, कोई भी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अभी ये कुछ चीजें डाउनलोड करी हुई है मैंने, सो स्मूथनेस पूरी है, कैमरा ऐप चलेगा नहीं क्योंकि कैमरा सपोर्टेड नहीं है, कैमरा इसके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें आपको प्ले स्टोर और आपका जो गूगल प्ले सपोर्ट जो मिलता है पूरा आपको इसमें मिलता है, गूगल जो आपका प्ले पास आता है और मतलब ऐप जो इंस्टॉल करने के लिए जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए वो सारी आपको इसमें मिलती है बाय डिफॉल्ट, तो ये अच्छी बात है कि इसमें आप ज़्यादातर ऐप्स चला सकते हो, कुछ ऐप नहीं चलती हैं बाकी ज़्यादातर ऐप्स में चल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले प्रोटेक्ट जो होता है, यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट टर्न ऑन है, तो ज्यादातर चीजें इंस्टॉल हो ही जाती है इसमें।
नेक्स्ट आपको ऐप ड्रॉर में क्या क्या मिलता है, ऐप ड्रॉर में यही सब चीजें मिलती है, छोटी छोटी जीपीआईओ के सैंपल मिल जाएंगे, यहाँ पे सीरियल पोर्ट असिस्टेंट मिल जाएगा, बाकी फाइल्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये सारी फाइल्स मैंने इसमें अभी डाउनलोड करके रखी हुई है। बाकी एक बार आपको सेटिंग के और दर्शन करा देता हूँ। सेटिंग्स यहाँ से चलते हैं, सेटिंग्स के और दर्शन करा दूँ। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे पहले में एंड्रॉइड 12 मिलता है, यहाँ पे देखो पीछे भाई देखो कितने सारे टैब्स मैंने ऑलरेडी इसमें चला रखे हैं और कितने स्मूथली ये सारे टैब्स चल रहे हैं। कोई भी मैं टैब खोलूंगा ना, जैसे कि ये गेम चल रही है तो स्मूथली चलेगी, देखो बिल्कुल कोई वो नहीं है आपको कि मतलब रैम का तो कोई इशू ही नहीं है, सारी एप्स बैकग्राउंड में आराम से स्मूथली चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो यहाँ पे मैंने ये चला रखा है, ये भी बड़ा स्मूथली चल रहा है, कोई भी रैम आउटेज तो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। ओके सो मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आप ये सारी चीजें देख सकते हो, और नॉर्मल एंड्रॉइड की जो सेटिंग्स मिलती है वो सारी आपको मिलेगी ही। बाकी आप देख सकते हो फ्रेंडली लग का RK35 रेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नीचे नहीं करूंगा क्योंकि नीचे डिवाइस की इंफॉर्मेशन वगैरह लिखी हुई है, मैक एड्रेस वगैरह। सो बाकी आप यहाँ पे स्टोरेज देख सकते हो, 64 GB की स्टोरेज है, 12 GB अभी यूज हुआ है। बाकी नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार CPU Z चला के, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती है। तो CPU Z यहाँ पे चल गया है, मॉडल दिखा रहा है प्रॉपचिप का RK3066, ये पता नहीं क्या क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, बट एक्चुअल मॉडल जो है RK3588 यहाँ पे शो कर रहा है। एंड 8 कोर का ये प्रोसेसर रहने वाला है, 4 Cortex ARM 876 मिल जाएंगे, 4 आपको Cortex के A55 मिल जाएंगे, 1 2.3 पे मिल जाएगा, 4 आपको 1.8 पे मिल जाएंगे। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे 408 MHz पे चल रहे हैं अराउंड 8 के 8 CPU। यहाँ पे SoC की है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है आपको डिवाइस दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेंडली इलेक्ट 3588 नैनो पाई थ्री इन्होंने नाम दिया हुआ है इसको, एंड्रॉयड डला हुआ है, ये सारी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। रैम देख सकते हो टोटल ऑफ 16 GB है, एंड अवेलेबल पूरी 11 GB अवेलेबल पड़ी हुई है, तो रैम की तो कोई इशू है ही नहीं इस डिवाइस में। आप इसको एज अ डेस्कटॉप और NAS की तरह भी यूज कर सकते हो, एज अ मेन डेस्कटॉप यूनिट की तरह यूज करना है, मेन डेस्कटॉप यूनिट की तरह यूज कर सकते हो, एंड मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपको मिल ही जाती है SDC में, वो सारी आपको इस बोर्ड पे भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टम पे, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, बैटरी का कोई तो है ही नहीं बैटरी तो, एंड मेन SoC का थर्मल देख सकते हो 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, एंड एक्चुअल में भी जब मैं टच कर रहा हूँ तो अराउंड 50 के आसपास है, तो ये ठीक है, सेंसर्स वगैरह इसमें है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। बाकी आप इसमें NPU के थर्मल्स भी देख सकते हो, 50 के अराउंड आ रहा है। सो ये कुछ SoC अपना जो सिस्टम ऑन चिप इंफॉर्मेशन थी। बाकी एक बार आपको एंटूटू स्कोर और दिखा देता हूँ, इसका एंटूटू स्कोर आया था अराउंड 7,54,000, जो कि अभी एबनॉर्मल इसमें पता नहीं क्यों दिखा रहा है, हो सकता है सॉफ्टवेयर को इशू हो, बट हाँ इसकी परफॉर्मेंस इतनी है कि ये 7,54,000 के अराउंड है, ये 7 लाख के अराउंड इसकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस आपको मतलब पता चल जाती है चलाने के बाद ही, तो अराउंड 7 लाख का आपको इसमें परफॉर्म वो मिल जाएगा। बाकी AI परफॉर्मेंस और टेस्ट कर लेते हैं, प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा एक बार हम ये प्लगइन डाउनलोड करके मैं AI वाला भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी नेक्स्ट मैंने एक टेस्ट किया था, मैंने इस पर टेस्ट किया था अपना जो स्टोरेज है, स्टोरेज टेस्ट किया था, ये रहा स्टोरेज टेस्ट। स्टोरेज टेस्ट भी आप देख सकते हो अराउंड रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो, यहाँ पे 4000 के अराउंड आई है, बट ये जो राइट स्पीड है वो पता नहीं इतनी कम क्यों आई है। बाकी ओवरऑल रैंडम एक्सेस यहाँ पे 10,000 के आसपास आया, तो EMMC की स्टोरेज स्पीड भी ठीक ठाक सी है। एंड नेक्स्ट मैं आपको क्या थोड़ी सी गेम चला के दिखा रहा था, गेम वगैरह क्वाइट स्मूथ चलेगी, यहाँ पे एसफॉल्ट है, एसफॉल्ट एक्चुअल पूरी गेम डाउनलोड नहीं हो पा रही है, आई डोंट नो ये थोड़े बहुत इश्यूज आती हैं सॉफ्टवेयर के, बट आप इसमें गेम कंट्रोल वगैरह देख सकते हो, गेम की क्वालिटी देख सकते हो, फ्रेम रेट्स देख सकते हो, बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। सो ओवरऑल यही कुछ पैकेज रहने वाला है एंड्रॉयड के साथ, ये एंड्रॉयड में काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं चल रही है, सपोर्ट नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही है, ऑलमोस्ट 90 to 95% चीज़ें सपोर्ट इसमें सपोर्ट कर रही है।
बाकी बस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको जल्दी से इसमें डेबियन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, डेबियन में कैसे चलता है, डेबियन का क्या परफॉर्मेंस वगैरह रहता है वो भी दिखा देता हूँ। चलो सो यहाँ पे अभी मैंने डेबियन इंस्टॉल कर दिया है। इसमें डेबियन का इंटरफेस देख सकते हो, ये अपना बोर्ड है, बोर्ड से आप देख सकते हो यहाँ से जा ही रही है। एंड डेबियन इंस्टॉल कर दिया, जल्दी से चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स वगैरह डेबियन में मिलते हैं, डेबियन में क्या थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखते हैं क्या निकलती है। और चलो फिर। हाँ जी, तो आवाज मेरी आ रही होगी, हो सो क्लियर आपको? हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने न्यू फेच किया है, एंड न्यू फेच में आप देख सकते हो डेबियन का GNU लिनक्स डेबियन 11 चल रहा है। इसमें फ्रेंडली लगकर CM3588 टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे पैकेजेस दिखा रहा है, एंड ये सारी चीजें आप देख सकते हो इसमें। सो मेमोरी आप देख सकते हो यहाँ पे 16 GB की दिखा रहा है। बाकी एक बार LSCPU और कर देता हूँ मैं, ताकि CPU की, तो यहाँ पे आ गया CPU के बारे में। तो हमारा जो CPU है यहाँ पे 8 core का CPU रहने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे ARM का प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सब आप डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हो। तो बेसिक यहीं पे कितनी कैश है, और उसमें L1 में L2 में कितनी कैश है, और L3 में 3 MB कैश है, तो वो सारी MB वगैरह, ये पूरी CPU की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी मैंने इसको जस्ट अपडेट भी कर दिया है, एक बार अपग्रेड और कर देता हूँ, ताकि अपग्रेड कर देते हैं इसको। यस, तो यहाँ पे अभी इसका अपग्रेड चालू हो गया, एंड जब तक ये हो रहा है मैं आपको ब्राउजर चला के दिखा देता हूँ। ब्राउजर लॉन्च बहुत स्मूथ है, तुरंत खुल जाती चीजें। यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब, तो चलो यूट्यूब देखो। बिल्कुल, मतलब आप ना, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल डेस्कटॉप जो चलाते हो ना, वैसा ही एक्सपीरियंस आने वाला है। ऐसा कोई डिफरेंट और ऐसे अंडर पावर आपको फील नहीं होगा। ये चीज इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, देखो आप अभी कितने अच्छे से परफॉर्मेंस ही निकाल के दे रहा है। एक बार मैं वॉल्यूम डाउन कर देता हूँ, तो परफॉर्मेंस देखो आप कि अभी देखो, जैसे मैं ये वाली वीडियो चलाऊंगा, यही सेम वीडियो, तो आराम से देखो कितना स्मूथली ओपन हुआ, चीजें चल रही है। इतना तो मेरा, जैसे आजकल मिनी पीसीज बहुत आने लग गए हैं, सेकंड हैंड मिनी पीसीज आते हैं, वो परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता इतना, मतलब इतना परफॉर्मेंस। तो बट इसकी परफॉर्मेंस टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप मतलब स्मूथनेस देखो, कितनी आराम से सब कुछ, टैब्स कितनी आराम से ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, एंड सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पे अभी 1080p पे वीडियो शिफ्ट कर दिया है, 1080p की क्वालिटी देख सकते हो। बाकी फ्रेम ड्रॉप्स ना के बराबर, बिल्कुल ही देखो 4 ड्रॉप बिल्कुल ना के बराबर फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं इसमें, और बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस वगैरह दे देता है। बाकी मैं और भी चीजें चला के दिखा देता हूँ, जैसे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट खोलते हैं। गीक्स फॉर गीक्स की जैसे वेबसाइट खोलता हूँ मैं, थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है ये पीछे से ही, बट देखो कितनी आराम से, ये डायनेमिक वेबसाइट कितनी आराम से खुल रही है, बिल्कुल कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप जहाँ क्लिक करोगे आपको आराम से तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ऐसा कोई रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्सिव है ये, बिल्कुल आराम से। बैक जा रहा हूँ आपको, कोई मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखा रहा, जैसे देखो यहाँ पे लिंक्डइन खोलता हूँ मैं, गीक्स फॉर गीक्स का तुरंत खुल रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल। अगर ये आप रैसबेरी पाई चला रहे होते, रैसबेरी पाई का मॉडल 4 भी चला रहे होते, थोड़ा सा वहाँ पे लैग आता है, बट यहाँ पे चीजें बिल्कुल ही स्मूथ है, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे गीक्स फॉर गीक्स इंस्टाग्राम आईडी जैसे मैंने खोला, तो देखो बिल्कुल स्मूथ खुल रहा है, जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में खुलता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं आ रहा है। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में चीजें चलती है वैसे ही चल रही है इसमें। इवन चलो मैं आज अपने इंस्टाग्राम का भी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, ये हमारे चैनल का जो अपना इंस्टाग्राम है वो भी कितनी आराम से खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रॉलिंग भी बढ़िया हो रही है, वीडियोज भी बढ़िया चलेगी, वीडियोज तो चलेगी मेरा साइन इन के। सो देखो आराम से चीजें स्मूथली चल रही है। बाकी कोर किचन को मत भूलना, कोर किचन तो अपना स्टार है। तो चीजें आराम से चीजें खुल रही है। मैं यहाँ पे देखो टैब्स खोल के दिखाता हूँ, बहुत सारे टैब्स खोलता हूँ यहाँ पे, अभी देखते हैं कितने टैब्स पे लैग करेगा। आपके सामने देखो इतने सारे टैब्स खोल रहा हूँ, सारे स्मूथली ओपन हो रहे हैं, कोई लैग नहीं आ रहा। देखो आराम से मैंने 50 से 60 से भी ज्यादा ही खोल दिए, बहुत सारे टैब्स खोल दिए यहाँ पे। एंड देखो सारे टैब जिस पे भी जाऊंगा सारे खुले हुए मिलेंगे, चालू मिलेंगे, ये देखो सारे ओपन है, सारे चल रहे हैं, प्रॉपर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये प्रोसेसर है तो देखो कामयाब प्रोसेसर है, बढ़िया प्रोसेसर है, चलता बढ़िया है। देखो सारे जितने भी मैं खोलूंगा सारे चलेंगे बढ़िया है। बाकी आपको थोड़ा बहुत इंटरफेस और दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस की कमी तो इसमें है नहीं। बाकी मैंने आपको एआई वाली तो दिखाई दी है पीछे, एआई की क्या परफॉर्मेंस वगैरह निकल के आई है। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे मल्टीमीडिया, ऑफिस ऑफिस जथूरा चलाते हैं, जथूरा देखो ऑफिस भी आराम से खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जथूरा करके है ये भी आराम से चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप एक्सेसरीज वगैरह देख सकते हो, डेवलपमेंट देख सकते हो, ग्राफिक्स के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएगी। यहाँ पे जीनी मिल जाएगा, जीनी पे आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पाइथन हो गया या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग आपको करनी हो यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। सो ओवरऑल सारी चीजें चल रही है यहाँ पे। आप मल्टीमीडिया के लिए भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे अलग अलग एप्लीकेशंस, इस पे आप इसको चला सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सारी चीजें इसमें चल जाती है। आप तो नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह यूज कर सकते हो, मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड है। आराम से 16 GB वाला लो और बेफिक्र यूज करो। आपका देखो अभी मैं क्रोम खोल के दिखाता हूँ, सारे टैब्स बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। देखो इतने सारे टैब्स खोले हुए मैंने, तब भी सारे टैब्स चल रहे हैं। मैं अगर और भी टैब्स खोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो आप ऊपर देख सकते हो कितने सारे टैब्स खुले हुए हैं एंड सारे ओपन हो रहे हैं, बढ़िया ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। देखो सो ओवरऑल अगर आपका काम है कि आपको सिर्फ ब्राउजिंग ही करनी है या फिर थोड़ा बहुत ऑफिस वगैरह हो गया, थोड़ी बहुत आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी हो, तो उन सब चीजों के लिए बेस्ट रहने वाला है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, चाहे आप डेबियन डालो, आर्मिन आर्मिन करके भी एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी डाल सकते हो। डेबियन डाल रखा है, एंड्रॉइड डाल सकते हो, एंड्रॉइड का टीवी वर्जन भी आता है, टीवी वर्जन भी डाल सकते हो। तो काफी सारे वर्जन इसमें आते हैं, सारे बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके सामने लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ और स्पेशल कर रहा हूँ, इसमें सारा आपके सामने लाइव टेस्ट है। आप टर्मिनल में भी देख सकते हो, बिल्कुल सेम प्रोसेसर, सेम बोर्ड, वही CM3588 वाला मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ अलग यूज नहीं कर रहा यहाँ पे, डिफरेंटली लाइक CM3588 यूज कर रहा हूँ, एंड परफॉर्मेंस आपके सामने ही है जो है। सो वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे से इतने सारे टैब्स खोल रखे हैं, सारे टैब्स प्रॉपरली चल रहे हैं, कोई दिक्कत आई नहीं रही है। एंड चलो फिर वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, और कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है तो बता दो, वो भी टेस्ट कर देंगे। बाकी कुछ और शॉर्ट्स वगैरह भी आने वाले हैं इस पे। सो वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। होप सो आपको वीडियो अच्छी ही लगी होगी। बाकी कोर कीचेन आप ऑर्डर कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे जाके मुझे DM करो। कोर किचन आपको सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज फ्री होम डिलीवरी को मिल जाएगा। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अपना आप कीचेन में लगाओ, बैग के पीछे लगाओ, बहुत अच्छा लगता है। बाकी इसके पीछे आपको वर्ल्ड स्ट्रांगेस्ट मैग्नेट मिलता है, आराम से आप किसी भी सरफेस में इसको चिपका सकते हो। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, टाटा बाय बाय।